सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट 5G गेमिंग प्लस कैमरा मोबाइल अंडर 20,000, जहाँ पे आपको सिर्फ 20,000 के अंदर 144Hz रिफ्रेश वाला एमोलेड कर्व डिस्प्ले मिलेगा। उसके साथ साथ 108 मेगापिक्सल का OIS वाला 4K 60fps पे रिकॉर्डिंग वाला कैमरा मिलने वाला है, और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाला सिर्फ 20,000 के अंदर। तो दोस्तों, आपको अगर 20,000 के अंदर ऑलराउंड सा एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो वीडियो को फुल देखना, और अगर मेरे पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, मोबाइल का नाम है Infinix Geo 30 5G, जो एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम सा डिवाइस है Infinix का। और दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे आपको कैमरा ही नहीं है, और भी जितने सारे फीचर है वो भी आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है विथ 144Hz रिफ्रेश रेट, जो इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस नहीं प्रोवाइड करता है जो रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ पे आपको एकदम कर्व डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ जो बैक है वहाँ पे आपको लेदर के ऑप्शन भी मिलता है और ग्लास के ऑप्शन भी मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। और उसे छोड़ के भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ना, वो भी काफी तगड़ी है। यहाँ पे आप हाई ग्राफिक पे कोई भी गेम खेल सकते हो। यहाँ पे दिया गया Dimensity 8020 प्रोसेसर, जिसकी एंटोस स्कोर 7 लाख से भी ज्यादा है, जो काफी पावरफुल मोबाइल को कर देता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको बैटरी 5000mAh का मिल जाता है, और उसके साथ साथ 45W के फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दिया गया है। ये एक 5G डिवाइस है, ये एंड्रॉइड 13 पे रन करता है, OS आपको 113 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है विथ OIS, और 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है, जो इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी ब्रांड वाइड एंगल कैमरा को प्रोवाइड नहीं करता है, जो Infinix ने किया है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों, आप रियर कैमरे से 4K 60fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, बात करें सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का, जिससे आप 4K 60fps पे भी वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमरा रियर और फ्रंट की दोनों ही काफी जबरदस्त होने वाला है। और दोस्तों, कैमरे में आपको जितने सारे फीचर मिलना चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। पैनोरामा, जो टाइम लैप हो गया, जो वीडियो मोड, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे फीचर इस मोबाइल में आपको देखने को मिल। दोस्तों, बात करें प्राइस की, तो Infinix Geo 30 5G का जो प्राइस है वो 24,000 है बेस वेरिएंट का, पर सेल पे ये आपको 22,000 या फिर 21,000 पे भी मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से काफी शानदार सा एक डिवाइस है कैमरे के लिए। तो दोस्तों, ये डिवाइस है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme 11 5G, जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको बैक पे राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम में मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है 190 ग्राम, जो काफी हल्का है। तो लुक एंड डिजाइन Realme 11 सीरीज की सभी डिवाइस की सेम ही रहता है, सिर्फ कलर में थोड़ी बहुत चेंजेस आता है। तो दोस्तों, बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों, बात करें इस डिवाइस की कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसकी मदद से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, बात किया जाए इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, इससे आप काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो और वीडियो निकाल सकते हो। और दोस्तों, बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट। ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है। बात किया जाए रैम और रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम और 256GB रोम और एक दूसरे वेरिएंट पे मिलने वाला है। और दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी लगी इस डिवाइस के, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 67W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 67W की चार्जिंग मिलने वाला है, जिसके मदद से आप 0 to 50% चार्ज सिर्फ 17 मिनट पे कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है।
वहीं पे इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। ये डिवाइस रन होने वाले रियलमी यूआई 4.0 और एंड्रॉइड 13 पे। इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी काइन टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस 15,000 to 16,000 के अंदर रहते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर पाते हो तो काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप इसे जरूर ले सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरे वेरिएंट की 8GB प्लस 256GB, उसकी काइन टाइम पे प्राइस 19,999 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है मोटोरोला की मोस्ट पॉपुलर डिवाइस मोटोरोला G84, जो एक 5G डिवाइस है। प्राइस के हिसाब से काफी तगड़े फीचर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको बैक की जो लुक है वो सभी मोबाइल पे आपको सेम ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, कलर वेरिएंट काफी तगड़ी तगड़ी है। उसके साथ साथ बैक पे आपको प्लास्टिक और लेदर दोनों वेरिएंट मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है ओनली 166.5 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। उसके साथ साथ बात करें अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर देखने को मिलेगा। डिवाइस की स्क्रीन काफी स्मूथ है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है 120Hz की रिफ्रेश रेट। और दोस्तों आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि इस डिवाइस पे आपको 1300 नीट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है। बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको OIS की सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके साथ साथ एक 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी ठीक ठाक सा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और दोस्तों ये डिवाइस परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों एक 5G चिपसेट है, इसके एंटीटू स्कोर 4 लाख के आसपास है। तो इस डिवाइस पे आप गेमिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 8GB प्लस 256GB और 12GB प्लस 256GB। यहाँ पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 30W फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाता है, जिसकी मदद से ये डिवाइस डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी है। डिवाइस पे आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा। पर्सनली मुझे जो रेड कलर है वो काफी यूनिक और काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये तो गया इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो करंट टाइम पे इसकी जो 12GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 18,000 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर 2,000 रुपए भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 16,000 to 17,000 के आसपास रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे मोटोरोला की ये डिवाइस काफी अच्छे और काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, तो आप जरूर इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3 5G, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस डिवाइस की वेट होने वाला है 185 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का है। तो ओवरऑल लुक एंड डिजाइन काफी अच्छा है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। वह बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। उसके साथ साथ एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 1800 नीट पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ब्राइटनेस काफी तगड़ी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 86.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जहाँ पे आपको मिलेगा 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी तगड़ी है, गेमिंग या फिर कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होने वाला है।
तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जहाँ पे आपको दो कैमरा मिलने वाला है। मेन कैमरा होने वाला है 50 मेगापिक्सल का, जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे यूज किया गया है सोनी का IMX882 OI सेंसर। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको OI की सपोर्ट भी दिया गया है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेंसर मिलने वाला है, जो है फ्लिकर सेंसर। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 3 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो और कैमरा काफी अच्छा निकल के दे देता है ये डिवाइस। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है, इसकी जो एंथोसो स्कोर वो 7,34,000 से भी ऊपर जाता है। तो आप हाई लेवल की गेम भी इस डिवाइस पे खेल सकते हो, तो गेमिंग डिवाइस के लिए भी इस डिवाइस को आप यूज कर सकते हो। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलने वाला, 8GB 128GB 8GB 256GB। वहीं पे इस डिवाइस पे 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विथ 44W फास्ट चार्जिंग। इस मोबाइल की सिक्योरिटी पे आपको मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 और फनटच ओएस 14 पर। तो दोस्तों ये तो का इसके सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस ब्रांड 8GB 128GB है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 19,999 है, मतलब 20,000 है, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 2000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 18,000 के अंदर आ जाता है। वहीं पे जो सेकंड वेरिएंट है 8GB 256GB, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 22,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। मोटो की तरफ से आने वाला मोटो एज 14 न्यू। दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.55 इंचेस का फुल HD प्लस PoLED 10-bit कर्व डिस्प्ले विद 144Hz रिफ्रेश रेट, जहाँ पे आपको मिलेगा 1300 नीट पीक ब्राइटनेस। यहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर मिलेगा डिस्प्ले पे। हाँ दोस्तों, इस मोबाइल की जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी होने वाला है। और वहीं पे बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है, जिसके एंथोसो स्कोर 5 लाख के आसपास है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला 8GB RAM 128GB वाला ROM बेस ब्रांड में, और एक ब्रांड पे आपको 12GB RAM 256GB ROM मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको काफी तगड़ी क्वालिटी का कैमरा मिल जाएगा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा विद OIS। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट दिया गया, जिससे आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको IP68 का डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से 1.5 मीटर वाटर पे आप 30 मिनट तक भी मोबाइल का रखोगे तो मोबाइल को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 68W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से आप 15 मिनट पे 50% चार्ज को कम्प्लीट कर सकते हो आपकी डिवाइस की। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पे रन होगा और 15 5G बैंड की सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों 8GB + 128GB जो वेरिएंट है, उसकी प्राइस 23,000 नॉर्मल टाइम पे रहता है, पर कोई भी अगर बड़ा सेल होता है तो 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है और इसकी प्राइस 21,000 पे आ जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है, और नॉर्मल टाइम पे आपको 1000 रुपये का मैक्सिमम टाइम डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं पे बात करें 12GB + 256GB वाला वेरिएंट की, उसकी जो प्राइस 25,000 है, वहां पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाएगा।